से आप सभी आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो सीआरटी टीवी में रिट्रेस लाइन आती है फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन करना बताऊंगा। इस तरीके से इस पे रिट्रेस लाइन आ रही है, देखिए। इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें लाइनिंग आ जाती है। फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैंने टीवी को इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसे पलटा लिया है, देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्टिकल आईसी रहती है फ्रेंड्स, वो ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। अगर वो उसके जो पॉइंट रहते हैं वो अलग हो जाते हैं तो फ्रेंड्स उससे भी ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। और अगर मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके आप जरूर से बता देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की जरूर से कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्टिकल आईसी रहती है फ्रेंड्स, वो ख़राब हो जाती है, कभी कभी फट जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी प्रॉब्लम आती है। और फ्रेंड्स, अगर ऐसी लाइन आए तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये जो योग की तरफ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर योग में जाते हैं फ्रेंड्स, उनके वायरों को थोड़ा सा हिला डुला के देख लेना है आपको। अगर वो फिर भी नहीं आता तो फ्रेंड्स आप आईसी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आईसी कुछ इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से पलटा लेता हूँ। सबसे पहले इसका जो बेस है फ्रेंड्स उसे निकाल लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ये। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं टीवी को कुछ टेढ़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, तो फ्रेंड्स आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके जैकों को भी निकालना पड़ेगा, सारे जैकों को आपको रिमूव कर लेना है। आप कब भी टीवी रिपेयर करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो ESD रहती है फ्रेंड्स उससे बच के रहना है। काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज रहता है उस पर, 25,000 करीब वोल्ट उस पर रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से इसे अलग कर लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ इसको, ठीक है, ज़ूम करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आईसी रहती है फ्रेंड्स, मैंने उसे निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, इसकी जगह मैं आपको नई आईसी डाल के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा इसकी पिक्चर। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर है UTC 78040 नंबर की जो आईसी है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ इसको फ्रेंड्स, शायद नहीं अब दिखा होगा फ्रेंड्स। देखिए, इस नंबर की आईसी है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं किस तरीके से इस पर लगाता हूँ आपको ध्यान देना है। इस पर नीचे की साइड इधर 3 पिन है फ्रेंड्स, और आगे की तरफ 4 पिन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी पिन है। तो फ्रेंड्स, आपको इसको पिन को अच्छी तरीके से लगाना है फ्रेंड्स, मैं इसे फट से लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से मैंने आईसी लगाई है फ्रेंड्स, उस तरीके से आपको फिक्स कर लेना है और स्क्रू से इसको कस लेना है ताकि ये हीट हो। तो फ्रेंड्स, हीट सिंक लगी है फ्रेंड्स, इस पर ये चली जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से इस पर सोल्डिंग करनी है, ठीक है। इसके सारे केबलों को मैं पहले निकाल लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त हो रही है इस पर सोल्डिंग करने को। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरीके से इस पर पिन निकले हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको बहुत बारीकी से सोल्डिंग करना है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वायर एक दूसरे पर टच बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, आपको मैं प्रॉब्लम तो बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोल्डर करते हैं तो बारीक बारीक जो रहते हैं फ्रेंड्स सोल्डर वायर, वो यहाँ पे अटक जाते हैं और शॉर्टिंग पैदा करते हैं। आपकी टीवी का किट भी ख़राब होता है इससे, और आपकी जो नई आईसी डालनी है फ्रेंड्स ये भी ख़राब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से करना है, और जो एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स इससे भी काट लेंगे आप, ठीक है, काट लेना जिससे इधर उधर टच ना हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं इसे पैक करता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसे पैक कर लिया है, देखिए यहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से इसे, अब इसे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसका पावर ऑन कर लेता हूँ, देखिए पावर को ऑन कर लिया हूँ, और टीवी की जो ब्लिंक कर रही है लाइट भी जल चुकी है, पावर आ चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आ रहा है। अगर आपकी जो पिक्चर है फ्रेंड्स वो ब्लर आ रही है तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको, मैं दिखाता हूँ पीछे ले जाकर क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जो ESD रहती है फ्रेंड्स
उसे आप कोई भी पेचकस की सहायता से इस तरीके से आप हिलाकर या घुमाकर एडजस्ट कर लेना। ब्लर ये फोकस का रहता है फ्रेंड्स, और ये ब्राइटनेस का रहता है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी और नई नई जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।